और ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है, है, है बिखेर दे, के, के रख दी उनकी बैटिंग तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज, रोज, रोज रोज नहीं मिलते एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमरा लेट इंडियन बॉलिंग अटैक सिराज गुड हर्षित राणा उसका भी जो गेंद उसने मार्च उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाया उस टाइम ऑल दैट ट ऑस्ट्रेलिया की वार्ड ऐसी लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आई बॉल्स बहुत है और वो है ट्रॉफी नॉट not... अगर कोई अच्छा क्रिकेट को देखने में बनाना क्रिकेट का शौक है जो क्रिकेट लर्न करना चाहता है यंगस्टर्स वो छोड़ दे इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं सीरीज को ना एज ए लर्निंग प्रोसेस कि यार यहाँ पर बॉलिंग कैसी है बैटिंग कैसी फील्डिंग कैसी अप्रोच कैसी है एग्रेशन होता क्या है इंटेंट क्या होती है ये आपको हाईएस्ट लेवल पे एट द मोमेंट नजर आ रही होगी ये जो आज उनका मैच शुरू हुआ

बोलर ऑफ दिस जनरेशन और इसी सीरीज के अंदर ही बेस्ट का मुकाबला है या तो है, या तो तो पैट कमिंस है है जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को डेढ़ सौ के हट जाने से इतना जबरदस्त कम बैक करा दिया है मतलब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया सौ रन भी बना पाएगा क्यों देखे पहले दिन में इंडिया डेढ़ सौ ऑल आउट तो हुआ है वो छोड़ दो लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने मतलब मैं कहता हूँ आ गया बजा दिया पकड़ के घुसा दिया पकड़ गए स्मिथ को पहली बार जो को बोल्ड किया ना मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने मतलब सेवन पे सात आउट पकड़ के बजा दिया इस पर्थ के अंदर हम बात करते हैं तो सबका बाप है बुमरा ने क्या तबाही किस्म की बोलिंग की है बुमरा का बॉल नजर नहीं आ रहा को पकड़ो विराट कोहली को उसने पूरे घंटे टेंशन के अंदर रखा है मार्डोस लैबिशन ने विराट कोहली जीरो पे कैच हो रहा पूरा दो घंटे अगले ने खेला है और सिर्फ और सिर्फ दो स्कोर किया है बेचारे को वक्री टेंशन पड़ी थी विराट कोहली को कब आउट होगा लेकिन सिराज ने उसको आउट कर दिया मैं ये समझता हूं जो भारत ने बोलिंग कर दी है ना आज आज ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट का बदला हो जाएगा 46 पे ऑल आउट भी हो सकते हैं 56 के ऊपर भी ऑल आउट हो सकते हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि 100 से पहले भी ऑल आउट हो सकते हैं जिस किस्म की भारत ने बोलिंग की है यार इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते

एक तरीके से लग रहा था कि भारत न्यूजीलैंड के साथ होम ग्राउंड पर जो परफॉर्मेंस किया पूरा परफॉर्मेंस किया शायद ऑस्ट्रेलिया में जाकर उस चीज़ को दोहराएंगे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो भूल ही जाइए लगता है सीरीज भी हम बुरी तरीके से हारने वाले हैं क्योंकि 150 पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में दस में से शायद नौ टीम ये सोचेंगे ये मैच हमारे हाथ से गया और जो एक टीम लड़ाई करेगा वो है भारत और आप सब देख सकते हो कैसे जसमित बुमराह ने शानदार बॉलिंग करके ये मैच अभी भी एक तरीके से 80 ऑफ भारत की कब्जे में है अगर कल हम जल्द आउट कर देते हैं तो फिर ये मैच अगर हम हारेंगे तो अपनी खुद के गलती के कारण हारेंगे इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों आप की वीडियो को एंजॉय करिए मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए एक के के बाद बाद एक 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 तू चल तो मैं आया साइकिल स्टैंड की तरह गिरी है ठक 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 और ही इज यार अमेजिंग बेस्ट बॉलर इन द द वर्ल्ड वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मेट में में भी कप हमने देखा कि बाकी सारे सारे किस्म का स्टार्ट अभी मैं आपके सामने रखता हूं बीस अशारिया सत्रह की एवरेज से एक सौ सतर विकटें ली बीस अशारिया सत्रह की एवरेज से जो कि डेढ़ो साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का लिस्ट। के रखे एक, -एक रन को ऑस्ट्रेलिया को हमने चलो डेढ़ सौ किया बैट्समैनों ने जो भी किया, किया। लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे लेकिन बुमरा भाई साहब बुमरा की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते

लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप कर रहा है ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने और भाई कह रहा है कमेंटेटर क्या, क्या बुमरा बाग है सबका ये हैजलवुड जो अपनी होंगे लेकिन जो आप, जो बॉलिंग आप बुमराह ने की है यार आप खुद खुद देख देख लो जो बॉलिंग ने की है वो स्टार्क ने नहीं की वो हैजलवुड ने नहीं की वो पैट कमिंस ने नहीं की वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया पकड़ के बेटा आना टुल्ले टुल्ले बेटा आना टुल्ले बड़ा तू तेज खेल रहा था क्या बोल्ड किया पकड़ के मैं कहता हूं सही मायनों में ना सही मायनों में पैट के कमिंस वाला काम किया मतलब मतलब पकड़ तो पकड़ मैंने लिया लेकिन इंडिया ने पकड़ के बजा दिया लिटरली बता रहा हूं मैं बेटा ये ये देखो ये पकड़ लिया मैंने लेकिन इसको बजाना है। पकड़ के बजाया अरे बेटा पकड़ के बजाया सेवन पे सात आउट उनके घर में हुए जो आपका घर है, है इंडिया तो चलो समझ लिया इंडिया की बैटिंग में सारे यंगस्टर ही थे एक आधे को छोड़ के लेकिन आपका तो वो मारना लबू स्टीव स्मिथ को तो पहली बाल पे बुमरा ने मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं ना होने दिया स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया वो मार्नस लंबूशान बावन वाले क्रिकेट है उसको तो पटड़ के पढ़ा दिया लिटरली बता रहा हूं तबाही बॉलिंग

इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस डेढ़ सौ को टोटल को देख के ऐसा लग रही थी डेढ़ सौ रन काफी नहीं है ये डेढ़ सौ रन कुछ नहीं कर पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया आएगा और जसपीत बुमराह ने जिसपे एम्पायर बहुत कॉन्फिडेंट थे आउट नहीं है और डी के ऊपर गए उसके बाद एक करके दूसरा करके ख्वाजा का विकेट लेके पहली बॉल का डक स्टीफ स्मिथ उसके बाद ऑलमोस्ट लबुशैन का विकेट भी ले गए थे अगर विराट कोहली वो कैच को ड्रॉप ना करते लेकिन लभुसेन ने कोई

मतलब पहले आउट हो जाते तो शायद आज ऑस्ट्रेलिया का सात के जगह नौ होता या फिर ऑस्ट्रेलिया सेवन सत्तर रन के अंदर आउट हो जाता उस तरीके का आप सोच सकते हो क्योंकि वो जो इफेक्टिव जो ओवर था तब जो हमारे बॉलर डाल रहे थे वो सारे बॉल वो लगभग सात आठ ओवर खेल कर चले गए जब आउट मतलब मतलब कैच छूटा था कोहली का तो शायद वो दूसरे बॉल पर थे तो लगभग छः सात ओवर हम अगर एक्स्ट्रा हमें मिलता तो शायद एक दो विकेट हमें और भी मिल जाता चलो जो हुआ कोहली तो फॉर्म में नहीं है उस दबाव के चलते शायद कैच छूट गया हो लेकिन अब मौका है हम अगर कल सुबह सुबह बीस रन के अंदर या बीस पच्चीस रन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनके तीन विकेट गिरा लेते हैं और लगभग साठ सत्तर रन की लीड ले लेते हैं और फिर इंडिया बैटिंग कर कर लगभग ढाई सौ या दो सौ साठ सत्तर रन बना लेता है हालांकि आसान तो नहीं होगा लेकिन अब प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया है अगर शुरू में अगर हम फोर्टी फिफ्टी रन तेज बना लिए विकेट ज़्यादा ना खोए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव आएगा और दबाव में ऑस्ट्रेलिया क्या कोई भी टीम बिखरता है तो फिर ये मैच अगर भारत जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पे चला जाएगा क्योंकि वो ऐसे ग्राउंड पर मैच हार रहे हैं जहाँ पर उनका हारने का रिकॉर्ड ही नहीं है हालांकि इससे पहले वो ब्रिस्बेन में गावा में भी कभी नहीं हारे थे गावा में भारत ने हराया था अब पर्थ में वो कभी हारे नहीं है और इस बार पहली बार पर्थ में भी वो हारेंगे और दूसरा पिंक टेस्ट है अगर वो जीत लिया तो फिर सोच लो आखिर तीन मैच में अगर तीन मैच भी भारत जीत जाएगा कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगा चलिए वो तो दूर की बात है अब हमें इस टेस्ट मैच और कल के दिन के ऊपर और पहले घंटे एक घंटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हमें फोकस करना है अगर कल के एक घंटा हम जीत जाते हैं तो फिर ये पूरा सीरीज में भारत आगे ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया हमारे पीछे पीछे ही आएगा हमें पकड़ने के लिए और वो पकड़ भी नहीं पाएगा सीरीज खत्म हो जाएगा दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही आप इस मुद्दे पर और जसवीत बुमराह के बॉलिंग के ऊपर जो भी राय देना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों रुकता हूँ बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा नमस्कार जय हिंद